तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पहले कुछ 8 क्वेश्चन देखे हुए हैं, यहाँ पर 9 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो 9 क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, ये देखिए। पहले तो एक ट्राइंगल है PQR और उसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं हमें, तो निकालेंगे हम ट्राइंगल। क्या नाम दिया है, दिया है यहाँ पर PQR और उसकी मीडियन का हमें इक्वेशन बनाना है। जो मीडियन है कहां से जा रही है, मीडियन जा रही है थ्रू दी वर्टेक्स आर। देखिए आर से मीडियन निकाली मैंने, तो ये जो पॉइंट होगा इसे हम नाम देंगे ए और ये पॉइंट होगा पी क्यू का मिड पॉइंट। मतलब यहां पर हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहां पर क्या दिया है, पी का 2.1, क्यू के -2.3 और आर के कोऑर्डिनेट है मेरे 4.5। ए का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालना है, ए जो है मिड पॉइंट है पी क्यू का, इसलिए ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 ± 2, 2 ± - होगा अपॉन 2। फिर 1 + 3 अपॉन 2, तो इसके मिड पॉइंट होंगे 0.2। मतलब पी क्यू का मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0.2। आर के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, यानी हम यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म वाला। कौन सा वाला इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म वाला। 2 पॉइंट फॉर्म वाले इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y-y1 upon x-x1 = y2-y1 upon x2-x1। y-y1 क्या है हमारा, y1। देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पहले, तो पॉइंट 4.5 और ये 0.2 आर एंड ए। इसे कहेंगे हम x1 y1 और इसे कहेंगे x2 y2। तो देखिए y-y1 यानी यहाँ पर ये 5, x-x1 यहाँ पर कितना है 4 है, y2 - y1 y2 -y1 यानी 2 - 5 y2 - y1 और x2 - x1 यानी 0 - 4। तो ये होगा y-5 as it is। ये x-4 इधर चला जाएगा, x-4 2 में से 5 चला गया, यानी यहाँ पर होता है मेरा -3 और ये नीचे है -4। माइनस माइनस दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस पॉजिटिव, एंड 3/4 दोनों भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये 4 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये होगा 4y - 20, 5 × 4 = 20, ये 4y, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा मेरा 3x - 12। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3x, ये जो 4y है उस साइड में चला जाएगा तो -4y हो जाएगा, और ये -20 भी अगर उस साइड में जाएगा तो +20, यानी -12 + 20 = 0। देखिए 3x और -12 इस साइड में ही था, ये यहाँ इस साइड में आकर माइनस हो गया और ये माइनस का उस साइड में जाकर प्लस हो गया, तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन 3x - 4y, और 20 में से 12 चला गया यानी बचेगा मेरा सिर्फ 8। तो ये बनेगा हमारा लाइन का इक्वेशन 3x - 4y + 8 = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है मीडियन के लिए। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, जो लाइन -3.5 से पास हो रही है और वो लाइन परपेंडिकुलर है। किस लाइन को, इस लाइन से पास होने वाले लाइन को परपेंडिकुलर है, यानी ये जो लाइन दिख रही है हमें जिसके कोऑर्डिनेट 2.5 है और -3.6 है, इस लाइन को परपेंडिकुलर है हमारी लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -3.5, यानी इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल हमारा 90 है।
हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, सपोज इसका हम स्लोप कहेंगे m1, इसका स्लोप हम कहेंगे m2, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन m1 × m2 ये कितना होता है -1। अब हमें m2 तो पता नहीं है, हमें m2 निकाल सकते हैं हम कोऑर्डिनेट से, m2 होगा हमारा y2 − y1 यानी 6 − 5 / x2 − x1 कितना होगा ये 1/5 निगेटिव में, क्योंकि -3 − 2 यानी -5 होगा, तो ये बन जाएगा निगेटिव 1/5। m2 की वैल्यू निगेटिव 1/5 आ गई है, यानी m1 मेरा होगा क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, m1 मुझे मिल जाएगा ऊपर जाएगा और पॉजिटिव यानी 5। m1 कितना आ रहा है मेरा पॉजिटिव 5। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट पता है -3, 5 और स्लोप पता है लाइन का, हमें स्लोप पता है और हमें एक पॉइंट पता है, तो हम स्लोप पॉइंट वाला इक्वेशन बना सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला, m1 = 5, therefore स्लोप पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y − y1 = m × x − x1 या x नॉट बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, जो भी y माइनस पॉइंट क्या है हमारा y1 है हमारा 5, x1 कितना है -3, देखिए x1 और ये है y1, तो y1 है हमारा 5, m है हमारा 5 और x1 है हमारा -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था और वो x3 भी माइनस था, यानी माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया है, तो y − 5 = 5x + 15 हो जाएगा, एम्प्लाइज क्या बनेगा इक्वेशन 5x + 15, ये जो -5 है इस साइड में आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये 15 + 5 यानी ये बन जाएगा 20 पॉजिटिव वाला, और ये y पॉजिटिव था तो उस साइड में जाकर नेगेटिव बनेगा, देखिए माइनस इधर जाकर प्लस, 15 + 5 = 20, ये पॉजिटिव उस साइड में जाकर माइनस, तो चलिए 5x − y + 20 क्या बन गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 11 में क्या पूछा है हमें, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, किस लाइन को, जो लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है उसी के जैसा है, ये सपोज लाइन है, कौन से दो पॉइंट में से पास हो रही है 1, 0 और 2, 3 इन पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, हमें उस लाइन का इक्वेशन बनाना है जो लाइन इस लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, और यहां पर हमें स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया नहीं है, यहां पर हमें स्लोप दिया नहीं है, m1 हमें पता नहीं है, m2 हम निकाल सकते हैं यहां पर जैसे पिछली बार निकाला था उसी प्रकार से, और हमें यहाँ पर पॉइंट भी दिया नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर बताया है ये जो लाइन है इस लाइन को डिवाइड करती है 1:n रेशियो में, 1:n रेशियो में, अगर हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम सेक्शन फार्मूले का यूज करके यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सपोज ये पॉइंट है मेरा ए, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस पॉइंट के, तो चलिए निकालेंगे, और इस लाइन का जो स्लोप है इसे कहेंगे हम m2 निकालेंगे हम, m2 निकालने के बाद हमें m1 मिल जाएगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, तो चलिए निकालेंगे फिर, पहले तो पॉइंट ए के हम क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला होता है हमारा m x2 + n x1 / m + n, y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 + n y1 / m + n, ये हमारा सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है यहाँ पर 1 और n की वैल्यू है n ही, m है 1 और n है n ही, 1 × x2
हम इसे कहेंगे x1 y1 और इसे कहेंगे x2 y2। तो x2 कितना दिया हुआ है, 1 y into 1 हो जाएगा फिर, प्लस n कितना, n की वैल्यू n ही है, x1 कितना है मेरा 2 है, अपॉन m plus n यानी 1 plus n, n की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना है मेरा 0, प्लस n की वैल्यू n ही है, y1 देखिए y1 कितना है 3, अपॉन 1 plus n। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 plus 2n अपॉन 1 plus n कॉमा 1 plus 3n अपॉन 1 plus n। इस प्रकार से बनेंगे मेरे कोऑर्डिनेट, देखिए 1 into 1। x2 कितना है मेरा, देखिए मैंने सब सही किया है, x2 मेरा 1 है, x1 मेरा क्या है, x1 मेरा 2 है, 1, 0, 2, 3। फिर यहाँ पर y2 कितना है मेरा, y2 मेरा 0 है, 0, और मेरा y1 कितना है, y1 मेरा 3 है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ 3n बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है, 3n बच रहा है, और ये 1 प्लस n डिविजन में। तो ये मेरे A पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन गए हैं। अब हमें क्या पता करना है, m1 का स्लोप, m1 की वैल्यू पता करनी है। पहले तो m2 निकालेंगे, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, 0 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा -3 y2 माइनस y1। उसी प्रकार से x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा -1 1 माइनस 2 यानी -1, और ये दोनों भी माइनस है इसलिए इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे m2 की 3। तो m1 क्या होगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल वो भी निगेटिव में, m1 मेरा आ रहा है -1/3, और मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 1 plus 2n, और ये यहाँ पर 1 plus n, और ये 3n डिवाइडेड बाय 1 plus n है। तो चलिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो हमें पॉइंट पता चल गया है, स्लोप पता चल गया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है हमारा इक्वेशन लाइन का, y-y1 = m(x-x1), y1 कितना है मेरा पॉइंट, देखिए ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1, क्योंकि ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है और ये है उसका स्लोप। y1 की वैल्यू कितनी है मेरी 3n अपॉन में 1 plus n इज इक्वल टू मेरा स्लोप है 1 minus 1/3, और x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 1 plus 2n upon 1 plus n। तो चलिए इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो इसे ये जो डिवीजन वाला 3 है इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा मेरा 3y - 3 into 3 कितना होगा 9n अपॉन 1 plus n इज इक्वल टू, ये निगेटिव है, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मैं इस साइड से लिखूंगा 1 plus 2n upon 1 plus n, और निगेटिव वाली वैल्यू उस साइड से लिखूंगा। तो ये इस प्रकार से होगा। फिर 1 plus n से अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये डिवीजन से 1 plus 1 खत्म हो जाएगा हमारा। 1 plus n 3y - 9n = 2, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी 1 plus n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 plus 2n और ये माइनस
वन प्लस एन से मैंने क्या किया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, फिर x वाली टर्म जो नेगेटिव थी इस साइड में आकर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वन प्लस एन एक्स, ये इस साइड में ही है इसलिए इसका साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा, वन प्लस एन थ्री वाई, ये माइनस नाइन एन जो है उस साइड में चला जाएगा, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव, नाइन एन और ये टू एन कितना हो जाएगा, इलेवन एन और ये पॉजिटिव वाला वन, तो ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, हमें उस लाइन का इक्वेशन बनाना है जो लाइन कहां से पास हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। देखिए ये हमारा सपोज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट कर रही है दोनों एक्सिस को, एक्स और वाई को, और यहां पर क्या कहा है हमें दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट यानी ये अगर 0, b है हमारा और ये अगर हमारा a, 0 है तो ये a और b की वैल्यू क्या है, इक्वल है, a इज इक्वल टू b, इक्वल इंटरसेप्ट, क्या कहा है हमें, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी इस a की और इस b की वैल्यू क्या है हमारी सेम है, इक्वल है, और लाइन कहां से पास हो रही है, 2, 3, अगर सपोज ये कौन सा तो भी पॉइंट है यहाँ पर, ये इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, तो हमें क्या पता करना है, उस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट हो रही है, अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट हो रही है तो हमारा उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b, ये a क्या है x इंटरसेप्ट और ये b क्या है y का इंटरसेप्ट। अब यहां पर हमें बोला गया है कि ये a और b क्या है, इक्वल है, तो मैं यहां पर x अपॉन a प्लस b की जगह पर यहां पर क्या लिखता हूं, मैं a ही लिख देता हूं, तो ये मेरा बनेगा x प्लस y, ये a जो है इसमें से कॉमन निकलेगा और ये इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, a, और अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे x और y के कोऑर्डिनेट रखने पड़ेंगे यहाँ पर, तो मेरा x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3, तो a की वैल्यू क्या बनेगी मेरी 2 प्लस 3, यानी a बन रहा है मेरा 5, a क्या बन रहा है 5, a और b क्या है इक्वल है, तो इसमें पुट कर दीजिए a और b, देखिए x अपॉन a कितना है मेरा, x अपॉन a की वैल्यू है मेरी 5 और b भी यानी a और b क्या है इक्वल है, तो अगर ये 5 आ रहा है a तो b भी क्या आएगा मेरा 5, y अपॉन 5 इक्वल टू 1, अब इसे करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है हमें, हमें पूछा गया है लाइन का इक्वेशन जो पास हो रहे है पॉइंट 2, 2 से, सपोज ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो लाइन 2, 2 से पास हो रही है, सपोज ये पॉइंट है 2, 2 इससे लाइन पास हो रही है और इसके जो इंटरसेप्ट है उनका सम है 9, यानी ये 0, b होगा यहाँ पर और यहाँ पर a, 0 होगा, तो ये a प्लस b हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस b हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या है 9, इंटरसेप्ट का सम क्या है 9, a प्लस b क्या है मेरा 9 और कहाँ से पास हो रही है लाइन 2, 2 से, अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो मेरा इक्वेशन होगा लाइन का x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर a प्लस b मुझे 9 दिया हुआ है, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं a इज इक्वल टू, ये मेरा b पॉजिटिव है उस साइड में चला जाएगा तो निगेटिव, यानी a मेरा हो जाएगा 9 माइनस b, a मेरा a क्या हो जाएगा 9 माइनस
बी, तो ए की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 9 माइनस बी और ये प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये बनेगा मेरा बी एक्स प्लस 9 माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी इंटू 9 माइनस बी, बी इंटू 9 माइनस बी इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा बी एक्स प्लस 9y माइनस बी वाई इज इक्वल टू, यहाँ का डिवीजन वाला उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 9b माइनस बी इंटू बी बी का स्क्वेयर। तो देखिए कुछ कैंसिल होगा, 9y 9b है यहाँ पर और ये माइनस बी स्क्वेयर है, बी एक्स प्लस ये 9y है और ये यहाँ पर माइनस बी है और ये 9b है प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, y कॉमन निकल सकता है, तो ये 9 माइनस बी एज इट इज रख देंगे और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से बी कॉमन अगर मैं करूँगा तो ये बनेगा 9 माइनस बी, बी एक्स प्लस 9 माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी इंटू 9 माइनस बी। अब हमें क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट 2,2, कहाँ से पास हो रही है, 2,2 से, यानी मेरा x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट भी क्या है मेरा 2 है, तो पुट कर देंगे x और y की वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, अगर इसके वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसमें b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपको ये बहुत लेंदी लग रहा है तो यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो, देखिए यहाँ अगर ये वेरिएबल से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वेरिएबल से अगर करेंगे तो गलतियाँ भी कर सकते हैं, मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, तो हमें शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम डायरेक्टली 2 पुट कर देंगे, फिर ये 9 माइनस बी हो जाएगा, फिर y की वैल्यू भी यहाँ पर ही हम पुट कर देंगे 2, तो ये b बन जाएगा। क्योंकि वेरिएबल में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको नंबर दिए हुए हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। किस प्रकार से देखिए, दो मेथड है, मैं इजी वाली मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से बहुत हार्ड जाएगा आपको, तो ये वाली मेथड बहुत ही इजी जाएगी आपको। तो ये डायरेक्टली 2b हो जाएगा, 2b और ये प्लस 9 2 18 माइनस 2b और ये सारा उधर उसकी जैसे हमने पहले किया था उस साइड से, उस हिसाब से इस साइड में चला जाएगा बी इंटू 9 माइनस बी। मैंने क्या किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, मैंने क्या किया है यहाँ पर, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कंफ्यूज मत होना, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 2b प्लस, देखिए ये तो डायरेक्टली कट ही हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 18 इज इक्वल टू 9b माइनस बी और ये बी, बी का स्क्वेयर हो जाएगा, तो बी का स्क्वेयर इस साइड में आकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला इस साइड में आकर नेगेटिव और ये इसी साइड में, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हमें ऐसे दो वेरिएबल चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 18, मल्टीप्लीकेशन 18 होना चाहिए और उनकी एडिशन होनी चाहिए माइनस 9, तो 6 और 3 ऐसे दो वेरिएबल है, 6 और 3 का कितना होता है 18 और 6 और 3 अगर दोनों भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो माइनस 9 और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है तो 6 3 18, तो हमें दो वेरिएबल मिल गए माइनस 6 और माइनस 3। तो मैं इससे सॉल्व करूंगा अभी यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 9b को क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पर,
माइनस सिक्स बी और माइनस थ्री बी, माइनस सिक्स बी माइनस थ्री बी यानी हो जाएगा माइनस नाइन प्लस 18 इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, b तो हमारा आंसर होगा ब्रैकेट में b माइनस सिक्स, इसमें से मैं माइनस थ्री को कॉमन लेता हूं तो ये होगा b माइनस सिक्स। तो b माइनस सिक्स एक ब्रैकेट में और b माइनस थ्री दूसरे ब्रैकेट में। तो या तो b की वैल्यू 6 आएगी या तो 3 आएगी। अगर b की वैल्यू 6 आती है तो a की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 9 माइनस सिक्स यानी 3, और अगर b की वैल्यू मेरी 3 है तो a की 9 माइनस 3 यानी 6। तो हमारा इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, x upon a कितना है, पहले केस में हम ये दो लेंगे x upon a यानी 3 plus y upon b यानी 6 equal to 1। इससे एक इक्वेशन बनेगा। दूसरी वाली कंडीशन x upon a की वैल्यू 6 plus y upon b की वैल्यू कितनी है 3 is equal to 1। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको तो बनेगा इक्वेशन 2x plus y equal to 6, और यहां पर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 2y is equal to 6। तो ये होंगे हमारे रिक्वायर्ड टाइम के इक्वेशन, या तो ये होगा या तो ये। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कहां से पास हो रहा है, 0.2 से, और क्या एंगल बना रहा है 2π/3 विद x एक्सिस। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और अगर कोई लाइन है 0.2 से पास हो रही है यानी 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, यहां पर होगा वो पॉइंट 0.2, यहां से पास हो रहा है लाइन और x एक्सिस के साथ उसका जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो क्या है 2π/3, यानी यहां पर हमें थीटा दिया हुआ है 2π/3 और पॉइंट क्या है 0.2। थीटा दिया हुआ है तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप होता है हमारा tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा, यहाँ पर tan लिया तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा tan 2π/3। 2π/3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, tan π - π/3। देखिए π - π/3 क्या होगा आपका 2π/3, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिल जाएगा 2π/3। π - θ यानी ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है tan निगेटिव, क्या होता है निगेटिव, यानी ये होगा माइनस tan थीटा यानी होगा π/3, और tan π/3 यानी tan π/3 यानी tan क्या है 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये होगा माइनस √3। यहां पर हमें स्लोप पता है, स्लोप क्या है हमारा, स्लोप m है हमारा माइनस √3, हमें स्लोप मिल रहा है माइनस √3 m, और हमें पॉइंट पता है 0.2, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इसे हम y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं 0.2। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा ये वाला पॉइंट 0.2, y इंटरसेप्ट 0.2। y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, m कितना है मेरा माइनस √3, x as it is, c की वैल्यू कितनी है मेरी 2 है, और ये y, तो ये बन जाएगा √3x plus y minus 2 equal to 0, ये बन गया हमारा इस लाइन का
इक्वेशन जो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 0.2 और एंगल क्या बना रही है 2π/3। ये बन गया है हमारा सिर्फ हाफ क्वेश्चन। और पूछा गया है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पैरेलल होगी इस लाइन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन कहाँ है, यहां पर हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट, और कहां पर 2 यूनिट बिलो, बिलो यानी नीचे, और नीचे होता है y एक्सिस नेगेटिव में, यानी मुझे c की वैल्यू मिल रही है यहां पर -2। और वो लाइन इस लाइन को पैरेलल है, इस लाइन को पैरेलल है, हमें कौन सी, ये जो लाइन थी इसको पैरेलल लाइन का इक्वेशन बनाना है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप तो इक्वल ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल। ये -3 है तो हम जिस लाइन का इक्वेशन बना रहे हैं वो भी -3 ही होगा। तो y is equal to mx plus c हमारा फॉर्मूला है, और y as it is रखिए, एंड ये लाइन पैरेलल है यानी इसका भी स्लोप क्या होगा -√3 x as it is। सिर्फ c की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है -2, क्योंकि डिस्टेंस बिलो 2 यूनिट द ओरिजिन कहा गया है y एक्सिस पर, इसलिए यहाँ पर लिखूंगा मैं -2। तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा √3x, ये पॉजिटिव वाला y, और ये नेगेटिव इस साइड में आकर पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन बनेगा √3x + y - 2। और पहली लाइन का इक्वेशन क्या बना, √3x + y - 2। ये हो गए दो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी लाइन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या पूछा है, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन से एक लाइन आ रही है हमारे रिक्वायर्ड लाइन को परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से एक लाइन निकल रही है और वो लाइन परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मिड साइड पॉइंट मतलब इस पॉइंट को मीट कर रही है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं कितने, कोऑर्डिनेट क्या है इसके -2.9, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -2.9, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हमें पता है 0.0, यानी इस लाइन के कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। अगर ये परपेंडिकुलर है इसे हम कहेंगे m1, इसका स्लोप हम कहेंगे m2, ये है लाइन l2 और इस लाइन को हम कहेंगे l1। m1 निकालेंगे पहले, m1 यानी स्लोप, पहली लाइन का स्लोप जो ओरिजिन से पास हो रही है, और स्लोप के लिए हमारा फॉर्मूला होता है y2 - y1 upon x2 - x1 y2 यानी ये हमारा x2 y2 और ये हमारा x1 और ये y1, y2 - y1 यानी 9 - 0 upon x2 - x1 यानी -2 और -2 में से 0 चला गया, कुछ भी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो ये बन जाएगा मेरा -9/2, देखिए -2.9 था ये पॉइंट, y2 - y1 और ये x2 - x1, तो -9/2 मेरा स्लोप बन गया है परपेंडिकुलर लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा मेरा, m2 का स्लोप होगा मेरा, इसका रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 2/9, तो मेरा इस लाइन का स्लोप होगा 2/9। हमें स्लोप पता है उस लाइन का, और उस लाइन का एक पॉइंट भी पता है, स्लोप क्या है m2 का 2.9 और एक पॉइंट पता है -2.9। अगर हमें एक स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो हम उस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं इस प्रकार से y - y1 = m(x - x1) इस फॉर्मूले का यूज करके। तो y - y1 क्या है मेरा, ये y1 और ये मेरा x1, y - y1 यानी मेरा 9, m कितना है मेरा 2/9, x - x1 कितना है मेरा -2 और ये -2 हो जाएगा। तो इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 9 - 81 और ये 2x + कितना हो जाएगा 4, तो मेरा इक्वेशन बनेगा 2x, ये 9y उस साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएंगे, ये -81 उस साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 81 यानी 85 = 0,
तो ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है एक रॉड का। लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। कॉपर का रॉड है, उसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में है और वो लीनियर फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। हमें पता है टेम्परेचर, अगर हम किसी रॉड को जला रहे हैं यानी उसका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रॉड की लेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो देखिए टेम्परेचर जब 20 डिग्री था, जब 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, तब उस रॉड की लेंथ जो थी 124.942 सेंटीमीटर, इतनी ही थी। और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और मैं जब टेम्परेचर 110 यानी 110 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था हमारा, तब रॉड की लेंथ थी 125.134 सेंटीमीटर। तो हमें और एन और सी के बीच में जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेस करना है। अगर सपोज मैं इस एल और सी को क्या करता हूं, एक्सिस के ऊपर लेता हूं, एल और सी को क्या करता हूं मैं, एक्सिस के ऊपर लूंगा मैं। देखिए हम लेंगे इस एल को लेंगे हम वाई एक्सिस पर, एल को लेंगे हम वाई एक्सिस पर और सी को लेंगे हम एक्स एक्सिस पर। सी हमारा एक्स एक्सिस पर और एल हमारा वाई एक्सिस पर। या इसका उल्टा भी कर सकते हो, सी को इस साइड में ले लीजिए, एल को इस साइड में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी को हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे और एल को लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो चलिए ये करके देखेंगे हम। तो मेरे पॉइंट क्या हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखिए पहला वाला पॉइंट एल कितना दिया हुआ है, एल कौन सा, एक्स एक्सिस पे 124.942 वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट यानी सी वाला पॉइंट कौन सा है, 20। फिर दूसरा वाला पॉइंट 125.134 और मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 110। तो हमें एक्सप्रेस करना है इन दोनों का रिलेशन। दो पॉइंट है हमारे पास, इसे कहेंगे पॉइंट ए, इसे कहेंगे पॉइंट बी। चलिए स्लोप, हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा y2 माइनस y1, y2 इसे कहेंगे हम x1 y1, इसे कहेंगे हम x2 y2। तो y2 माइनस y1 यानी 110 और 110 माइनस 20 फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x2 माइनस x1 124.942। तो मेरा स्लोप होगा m इज इक्वल टू 90 अपॉन, चार में से दो चला गया यानी दो बचेगा, थ्री में से फोर नहीं जाएगा तो 13 में से फोर चला गया यानी 9 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर नहीं यानी ये हो गया है 0, 0 में से 9 को चला नहीं जाएगा, फिर 10 में से 9 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बन गया 10 में से 9 चला गया यानी 1 पॉइंट। फिर ये यहाँ पर 1 उसको बोरो किया था यानी 124 माइनस 124 ये हो जाएगा 0.192 इसका सब्ट्रैक्शन। तो ये बन गया हमारा स्लोप और ये है हमारे पॉइंट। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है हमें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है मेरा, y1 है मेरा 20 इज इक्वल टू m, m कितना है 90 अपॉन 0.192 x माइनस x1, x1 कितना है मेरा, x1 है 124.942। ये जो नेगेटिव 20 है उस साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 20
20 प्लस 9 अपॉन 0.192 और ये ब्रैकेट में x माइनस 124.942, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन। अब y एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, y एक्सिस पे लिया है मैंने c यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, x एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, x एक्सिस पे क्या लिया है l यानी रॉड की लेंथ, यानी x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर l, तो l और c का रिलेशन हमने यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया है, हमें मिल्क की डिमांड दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है यहां पर, डिमांड दिया हुआ है मिल्क का। पहले मिल्क की डिमांड थी 980, फिर बाद में 1220 और बाद में हमें पता करना है थर्ड टाइम और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है। जब डिमांड 980 थी तब सेलिंग प्राइस हमें दिया था 14 रुपीज पर लीटर, जब डिमांड 1220 थी तब उसका प्राइस जो दिया था सेलिंग प्राइस वो था 16। तो हमें उस टाइम पे डिमांड पता करनी है जब सेलिंग प्राइस होगा 17 रुपीज पर लीटर, और हमें बताया गया है यहाँ पर जो डिमांड है और एंड सेलिंग प्राइस जो है इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, इसका जो रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन में बताया है, तो हम यहाँ पर डिमांड की वैल्यू निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इसमें क्या यूज होगा, तो देखिए हमें पता होता है स्लोप, स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरा y1 और y2 क्या है, देखिए ये y1 ये y2 ये x1 और ये है x2। y2 माइनस y1 यानी 16 माइनस 14 कितना होगा, 16 में से 14 चला गया यानी 2 बचेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1220 में से 980 चला गया यानी बचेगा मेरा 240। तो मेरा जो स्लोप होगा वो होगा 1/120, ये होगा मेरा इस लाइन का स्लोप। अब हमें स्लोप पता है, स्लोप तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये है मेरा पॉइंट और ये मेरा स्लोप 120 y2 माइनस y1। अब हम करेंगे इसे, ये x2 y2 कैंसिल कर देंगे, इसे कहेंगे हम x1, इसे कहेंगे हम y 1 लिखा है मैंने x2 और ये y2। तो अब y2 की वैल्यू क्या हो रही है 17 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो रही है 14 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है मेरा, x2 की वैल्यू x माइनस x1 कितना है 980 इक्वल टू स्लोप मेरा है 120। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इंटू 17 में से 14 चला गया यानी बच रहा है 3 और ये है x माइनस 980। 120 इंटू 3 यानी हो जाएगा मेरा 360 और ये प्लस 980 इज इक्वल टू x, नेगेटिव था इस साइड में आकर पॉजिटिव हो गया। तो मेरी डिमांड x कितनी है, देखिए 0 एज इट इज 6 प्लस 8 यानी 14 तो बचेगा 4 कैरी 1 10 और ये 3 13 1340 लीटर इतनी डिमांड होगी मेरी, जब प्राइस कितना होगा 17 रुपीज, जब प्राइस होगा 17 रुपीज तब डिमांड होगी 1340। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें मिड पॉइंट दिया है लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में से जा रहा है और ये किसका मिड पॉइंट है, एंड इस लाइन का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, क्या है मिड पॉइंट a, b हमारा मिड पॉइंट है इस लाइन का। हमें क्या शो करना है a/b यानी x पर a + y/b इक्वल टू 2 शो करना है। अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन का एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, मिड पॉइंट है यानी ये होगा मेरा 2b,
इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट 2 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट ए है यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 2a,0 और 0,2b। हमें पता है जब इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमें y और x, तो इक्वेशन होता है हमारा लाइन का x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेकिन a की जगह पर क्या है, यहाँ पर 2a है, यानी इससे यहाँ पर a की जगह पर हमें इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर 2a है, इसलिए यहाँ पर मैं a की जगह पर 2a लिखता हूँ और b की जगह पर 2b लिखता हूँ। तो मैं इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x by a plus y upon b is equal to 1, और ये 2 जो डिवीजन में है उस साइड में चले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 1 × 2 यानी 2, और यही तो हमें शो करना था। देखिए तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है आर जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस है, और ये सपोज ये वो लाइन है, और ये जो है पॉइंट आर, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को जो एक्सिस से पास हो रहा है, एक्सिस इट इन द रेशियो 1,2, ये एक्सिस के अंदर से जा रही है, यानी ये होगा पॉइंट 0,b और ये होगा मेरा पॉइंट a,0, और मेरा आर पॉइंट यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, और ये डिवाइड कर रहा है लाइन को रेशियो में, क्या रेशियो दिया हुआ है, 1:2, 1:2, 1:2, ये हो गया हमारा रेशियो 1:2। नीचे लिख देता हूँ ताकि इजी जाएगा, 1:2, ये हो गया इस लाइन का रेशियो, यानी एन दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1, एन दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का यूज कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस पॉइंट के जो h और k के इक्वल होंगे, हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है h कॉमा k, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या है, m x2 plus n x1 upon m plus n comma m y2 plus n y1 upon m plus n h कॉमा k as it is, m की वैल्यू कितनी है 1 into x2 x1, ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो चलिए x2 कितना दिया हुआ है 0, 1 × 0 प्लस n कितना दिया हुआ है 2, x1 कितना दिया हुआ है a अपॉन m plus n यानी 1 + 2 कॉमा m y2, m कितना है मेरा, m है मेरा 1 × y2 कितना है मेरा, मेरा y2 है b प्लस n कितना है मेरा 2, y1 कितना है मेरा, मेरा y1 होगा 0 अपॉन m plus 1 यानी 1 + 2। तो मेरे कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे ये 0 हो जाएगा यानी 2a upon 3, और यहाँ पर क्या होगा b प्लस ये 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा डायरेक्टली, और ये 1 + 2 यानी ये होगा 3, 2a upon 3 और ये होगा b upon 3, तो ये है मेरे h और k, h comma k यानी मेरा h है मेरा 2a upon 3 और मेरा क्या है k, क्या है मेरा b upon 3, k मेरा है b upon 3, h मेरा 2a upon 3 है, h और k की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल गई है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन अगर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x upon a plus y upon b is equal to 1, तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू मेरी क्या होगी 3h upon 2, मेरी a की वैल्यू होगी 3h upon 2, उसी प्रकार से मेरी b की वैल्यू होगी 3k, b की वैल्यू होगी मेरी 3k और h a की वैल्यू होगी मेरी 3h upon 2,
ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ए की वैल्यू क्या है 3h अपॉन 2, तो x अपॉन x के नीचे होगा 3h अपॉन 2 प्लस y के नीचे क्या होगा 3k, y के नीचे क्या होगा 3k इज इक्वल टू 1। चलिए मैं इससे मिटा दूंगा, यहां से आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो चलिए यहां पर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, तो ये होगा 3kx प्लस 3h अपॉन 2, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा y के साथ, फिर नीचे ये जो t है 2 है इसे हम जो नीचे है उसे ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर के भी नीचे है, ये टू ऊपर चला जाएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा देखिए 6kx प्लस 3hy, 6kx प्लस 3hy अपॉन 3 इंटू 3 9 एच के इज इक्वल टू 1, तो ये होगा 6kx प्लस 3hy इज इक्वल टू 9 एच के। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनेगा, क्या मैं इसे एच के से डिवाइड कर सकता हूँ, एच और के से, अगर एच और के से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो ये होगा 6 अपॉन एच एक्स प्लस 3 अपॉन के y, और ये होगा 9। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा, या तो ये इक्वेशन होगा आपका या तो ये, दोनों में से कौन सा भी आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है और हमें प्रूव करना है जो तीनों पॉइंट्स है, ये जो तीनों पॉइंट्स हमें दिए है ये क्या है कोलिनियर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहले जो दो पॉइंट दिए हैं उससे हम क्या बनाएंगे एक लाइन का इक्वेशन, और अगर इस लाइन का इक्वेशन ये पॉइंट 3 अगर सेटिस्फाई करता है तो ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। क्या करेंगे हम इस दो पॉइंट का यूज करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे लाइन का। तो चलिए ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को बनाने के लिए। तो इक्वेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, वो किसके बराबर होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है वो। तो y माइनस y1 कितना है मेरा, यहाँ पर y1 मुझे मिल रहा है 0 अपॉन x माइनस x1, x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 3, तो x माइनस ये हो रहा है मेरा 3। y2, y2 कितना है मेरा माइनस 2, माइनस y1 कितना है मेरा, y1 है मेरा 0 अपॉन x2, x2 कितना है मेरा, x2 है मेरा माइनस 2, माइनस x1, x1 कितना है मेरा, x1 है मेरा 3। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे, y माइनस 0 यानी ये हो गया है y अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन ये होगा माइनस 5। तो इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये होगा माइनस 5 y इक्वल टू माइनस 2 x, और निगेटिव निगेटिव होता है पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव 6, पॉजिटिव क्या होगा 6 होगा माइनस 2 x। ये हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 x प्लस 6, तो ये जो माइनस 2 x है इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव 2 x, और ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसकी हमने साइड चेंज नहीं की है, ये माइनस 5 y यहाँ पर ही है, ये 6 इस साइड में आने के बाद नेगेटिव, तो ये बन गया है मेरा इक्वेशन। आप इस 6 को उस साइड में भी रख सकते हैं इस प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस माइनस 2 x को यहाँ पर ले लीजिए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है 2x माइनस 5 y और राइट हैंड साइड में क्या है 6 है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड
हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं है या नहीं है, इससे हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी 2x माइनस 5y, यहाँ पर x और y की वैल्यू है मेरे 8.2। देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है हमें 8.2, तो x की वैल्यू है मेरी, x की वैल्यू है मेरी 8 और y की वैल्यू है मेरी 2। तो ये 8 2 16 हो जाएगा, 16 माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो 16 में से 10 चला गया तो बचेंगे सिर्फ 6 और मेरी राइट हैंड साइड में भी क्या है 6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, राइट हैंड साइड। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन के इक्वेशन को क्या करता है, सैटिस्फाइड करता है, यानी इसका मतलब ये जो पॉइंट है 8.2 ये इसी लाइन के ऊपर है, यानी ये तीनों पॉइंट क्या हो गए हैं, कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे है यानी कोलिनियर। तो इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गए हैं। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए।